7 जून 2015 को विवियाना मॉल थाने में जॉइंट एंड मोशन और डॉक्टर कूल द्वारा मैराथन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश के कोने कोने से आए रनर्स ने पार्टिसिपेट किया। मैराथन में हर उम्र के रनर्स शामिल हुए। उनका जोश बढ़ाने के लिए जुटी हुई भीड़ का उत्साह भी देखते ही बनता था। JNM 10 के क्वालिफायर मैराथन का मुख्य उद्देश्य था फिजिकली चैलेंज लोगों की हेल्प और आई डोनेशन का प्रमोशन। मैराथन में 1200 रनर्स ने पार्टिसिपेट किया। जोश और दिल में जीतने की उमंग लिए पार्टिसिपेंट्स का जज्बा काबिले तारीफ था। 10 के मैराथन विवियाना मॉल थाने से शुरू होकर गांधीनगर से वर्तक नगर होते हुए विवियाना मॉल पर ही खत्म हुई। अभ्यास और अनुशासन के साथ की गई तैयारी आखिर रंग लाती दिखी। कदमों के उत्साह के साथ घटती गई दूरी और सामने थी मंजिल। इस मैराथन में जहां बच्चों की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया, वहीं सीनियर सिटीजंस का उत्साह देखते ही बनता था। इस कार्यक्रम में डिफरेंट कैटेगरीज के विनर्स को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में विनर्स ने अपनी जीत की खुशी कुछ इस तरह जाहिर की। मॉर्निंग एवरीवन, इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस बीइंग ओवर हियर डूइंग 10 किलोमीटर रेस विद जॉइंट्स एंड मोशन एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस रेस वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर मुंबई। स्पेशली आई वाज रनिंग अलोंग विद अ कपल ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड्स एंड इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग। देयर वाज सॉर्ट ऑफ रिजुविनेशन, देयर वर मेनी मोर एक्सरसाइजेस दैट वर टेकन टुगेदर इन द बिगिनिंग and we did lot of stretching, twisting, and Alpesh sir and all also supported the event from joints and motion category. I'm very happy to be a part of this event and I hope that this event keep continuing forever. Event bahut acha tha, it was very well organized by joints and motion and bahut enjoy kiya. Weather bhi kafi acha tha, kafi enjoy kiya hai. Pacers were very good. Aise events zaruri hai kyunki it is just a boosting to all the runners. It just creates a boost to other runners so they can also be an inspiration and they can everybody can come and join and run this run. ये बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे मैराथन होने चाहिए कि इससे बच्चों को इंस्पिरेशन मिलती रहती है, इंस्पिरेशन मिलती है, इससे प्रमोशनल मैराथन होने चाहिए और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। और जैसे आज ये ट्रॉफी उठाए वैसे मैं इंडिया का एक बार फ्लैग उठाऊंगा, इंडिया का नाम रोशन करूंगा और अपने घर वालों का नाम रोशन करूंगा। ऐसे इवेंट बार बार होने चाहिए जिससे हमको मतलब इंकरेज होता है, हम यूथ कुछ आगे बढ़ सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अभी तो ये मेरी फर्स्ट रेस है जिसमें मैं सेकंड प्लेस आया हूँ और मैं आगे भी इसे अभ्यास करूँगा ताकि मैं आगे चल के फर्स्ट के लिए और देश के लिए खेल सकूँ। यूथ मैराथन में हर पार्टिसिपेंट स्पेशल था, लेकिन सबसे खास था फिजिकली चैलेंज बट पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट्स का जज्बा जो बस काबिले तारीफ था। इस मौके पर जॉइंट्स एंड मोशन के डायरेक्टर डॉक्टर सुदर्शन ने कहा, द आइडिया ऑफ डूइंग दिस इवेंट वाज रन फॉर अ विजन एंड वी हैव बीन एबल टू डोनेट एंड रेज फंड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ पैराप्लेजिक्स। सो द लास्ट एडिशन सॉ अबाउट 550 रनर्स एंड दिस एडिशन वी हैड अबाउट 1200 रनर्स फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट। सो इट वाज अ अमेजिंग इवेंट, द रिस्पांस अमंग द क्राउड वाज अमेजिंग, दे वर वेरी हैप्पी विद द होल अरेंजमेंट्स दैट वाज डन। इस मैराथन में ऑर्गेनाइजर्स ने फिजिकली चैलेंज लोगों को व्हीलचेयर्स डोनेट की। इस आयोजन में डॉक्टर कूल के जनरल मैनेजर मिस्टर विकास शर्मा ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। हाय, आई एम विकास शर्मा फ्रॉम डॉक्टर कूल। डॉक्टर कूल व्हिच इज अ ग्लोबल ब्रांड इन रिकवरी एंड परफॉर्मेंस प्रोडक्ट। सो वी आर द मेन सपोर्टर एंड स्पॉन्सर इन JNM 10 के क्वालिफायर 2015। As globally, our aim and motto is to support fitness. So the cause of event is, they are helping people
like paraplegic people and supporting vision. So the cause is to run for a vision. That's why Dr. Cool, we are here to support this cause. भविष्य में ऐसे आयोजन निरंतर करने की आशा के साथ इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ।